राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात, महाराष्ट्र सरकार पर 12,000 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप। भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आज कुछ सबूतों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 बेड के नाम पर मुंबई में 12,000 करोड़ का घोटाला किया है। सरकार ने बिना चर्चा बिना टेंडर निकाले एक बिल्डर को कोविड सेंटर के नाम पर जमीन सौंप दी। हमने राज्यपाल से मांग की है इस घोटाले की जांच लोकायुक्त से कराई जाए, राज्य के मुख्यमंत्री और बीएमसी कमिश्नर की भी जांच हो। 5,000 बेड था हॉस्पिटल था नावा ने, 12,000 कोटी था उद्धव ठाकरे सरकार का घोटाला प्रकल्प। खरं म्हणजे महाराष्ट्र सरकार कॅबिनेट मंत्रालय महापालिका कुठे या संबंधी चर्चा नाही, प्रस्ताव नाही, प्रोजेक्ट नाही, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाही। फक्त एका विशेष बिल्डर ती 3,000 कोटीची जागा घेण्याचा नावाने हा प्रकल्प हा घोटाळा उद्धव ठाकरे सरकारने केला। आज आम्ही राज्यपालांना विनंती केली आहे की मुख्यमंत्री कार्यालय, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि मुंबई महापालिका आयुक्त यांच्या समोर लोकायुक्तनी इन्व्हेस्टिगेशन करा। स्पेशल डेस्क टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।